तो दोस्तों आज इस वीडियो के लिए हमारे पास में है एक खाली एलपीजी गैस सिलेंडर। इसके अंदर अभी गैस नहीं भरी हुई है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो गैस इसके अंदर भरी जाती है वो लिक्विड के रूप के अंदर इसके अंदर भरी जाती है, और वो जब हवा के अंदर संपर्क में बाहर आती है तो वो भी हवा बन जाती है। लेकिन आज हम इसके अंदर हवा ही भरने वाले हैं और देखते हैं कि हम इस टंकी सिलेंडर के अंदर कितनी हवा भर सकते हैं। इसके अंदर हवा भरने के लिए हमारे पास में ये एक पंप है गाड़ियों में हवा भरने वाला, इसी मदद से मैं इसमें हवा भरूंगा और देखते हैं कि हवा भर पाते हैं या नहीं भर पाते हैं, क्या होता है जब हम इसके अंदर हवा भरेंगे और कितनी हवा जो भी होगा दोस्तों वो देखा जाएगा इस वीडियो में। वीडियो शुरू होने से पहले आप इसको एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट की वीडियो इस चैनल पर बनाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों इसके अंदर हवा भरने के लिए मैं इसको रख देता हूँ ऐसे टेढ़ा सिलेंडर को। तो दोस्तों अभी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर अभी कुछ भी गैस वगैरह नहीं है, थोड़ी बहुत हवा है ये निकल चुकी है। अब इसके अंदर कुछ नहीं है, पूरा ये खाली है। तो अब मैं शुरू कर देता हूँ इसके अंदर हवा भरना। ये पंप है, तो यार दोस्तों इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हवा मैंने भर दी है, शायद कितनी ज़्यादा हवा गई होगी इसके अंदर। तो चलिए मैं इस टेप को निकालता हूँ और चेक करते हैं इसके अंदर कितनी हवा आई है या नहीं आई है। काफ़ी ज़ोर लगता है इसके अंदर हवा भरने से। तो दोस्तों अब मैं चेक कर रहा हूँ कि सिलेंडर के अंदर हवा भरी है या नहीं। ये खिल्ला है मेरे पास में, इससे मैं इस नोजल को दबा करके चेक करता हूँ। तो आप सुन सकते हैं कि इसके अंदर हवा भर चुकी है। अभी मैं एक माइक पास में ले जा करके आपको सुना देता हूँ। तो इसके अंदर से इतनी खतरनाक बदबू आई है। तो दोस्तों पंप से हवा तो हम इसके अंदर भर चुके हैं, हालांकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इसके अंदर हवा भरने के लिए, क्योंकि इसका जो नोजल होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है ताकि गैस लीकेज ना हो। हवा हमने भर दी, लेकिन दोस्तों जब हमने इसके अंदर से हवा निकाली इसके अंदर इतनी ख़तरनाक बदबू आ रही है दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर एक लिक्विड भी भरा हुआ होता है उसकी वजह से ये बदबू आ रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, जय हिंद।